सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने, आपको पता है कि एक वैकेंसी निकाली, उसमें जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनको उस प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा। और इसमें केवल और केवल बीटीसी या फिर ये कहें कि जो बीएसटीसी के अभ्यर्थी हैं सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर ये कहें जो हम अपने यूपी में कहते हैं डीएलएड के अभ्यर्थी, केवल उन्हीं को पात्र बताया गया है जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा। दोस्तों, हाई कोर्ट के इसी फैसले को जो बीएड के अभ्यर्थी थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। बस यही मामला है, इसी को लेकर के लगातार बीएड के अभ्यर्थी हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि क्या मैम, अब यूपी से भी बीएड को बाहर कर दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि ये मामला पूरा राजस्थान का है और ये जा चुका है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देती है आपको पता है वो पूरे देश पर लागू होता है। और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एनसीटी को और भारत सरकार को उन्होंने नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा है कि आप लोग आ करके अपना पक्ष रखिए 22 फरवरी को पक्ष रखने को कहा है। और जो हाई कोर्ट का फैसला है उस पर अभी कोई भी फैसला नहीं दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो 22 फरवरी 2022 को जो सुनवाई होगी वहां पर एनसीटी के चेयरमैन, इसके अलावा जो केंद्र सरकार की तरफ से जो भी वहां पर पैरवी करेगा उनको अपना पक्ष वहां पर जाकर के अच्छे से रखना होगा बीएड की तरफ से, तभी बीएड का पक्ष मजबूत हो पाएगा। क्योंकि आपको पता है कि एनसीटी ने ही बीएड को शामिल किया था, और आप सभी को वो 28 जून का दिन याद होगा, 28 जून 2018 का, जब बीएड को प्राइमरी में शामिल किया गया था। तो दोस्तों, अभी ऐसा कुछ नहीं है कि यूपी की प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर कर दिया गया है। तो इसके लिए आप लोग प्लीज अभी से कोई फिक्र मत करिए, अभी से परेशान मत होइए। 22 फरवरी की जो सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में उसका वेट करिए। अभी तक कोई भी फैसला नहीं दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब जब तक कोई फैसला नहीं आता तब तक आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि 2018 में ही प्राइमरी में शामिल कर लिया गया यहाँ पर बीएड को, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं। और इसके अलावा आप लोगों को ये भी पता है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है इसमें बीएड अभ्यर्थियों को पात्र माना गया और उन्हें भी ज्वाइनिंग दी गई। तो इसलिए आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग 22 फरवरी का वेट करिए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या आता है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी फैसला होगा वो अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा। और इसीलिए आप लोगों को बिल्कुल अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, और अभी अभी कुछ भी नहीं है जब तक कोई ना कोई फैसला नहीं आ जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो यहाँ पर देखना होगा कि एनसीटी किस तरीके से अपना पक्ष रखती है और भारत सरकार किस तरीके से अपना पक्ष रखती है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जारी कर दिया है नोटिस एनसीटी को भी और भारत सरकार को भी कि वो आकर के 22 फरवरी को अपना पक्ष रख सकते हैं बीएड की तरफ से। तो इस तरीके से यहाँ पर अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि बीएड को बाहर कर दिया गया है। तो आप लोग भी अगली सुनवाई का वेट करिए, और सभी को इसका वेट रहेगा क्योंकि ये विवाद बहुत दिनों से चल रहा है, और इस पर अब 22 तारीख को ही सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगेगी कि आखिर में क्या होगा। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, जैसे ही कोई भी अपडेट आती है हम आपको तुरंत बताएंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में भी आपको सारे के सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए, जहाँ कहीं कोई भी समस्या आए हमसे बताते रहिए।